उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले से जुड़ी खबर पर ताजा अपडेट आपको देते हैं। उदयपुर में एक बार फिर बढ़ाया गया नेटबंदी का समय। अगले 24 घंटे के लिए जिला प्रशासन ने नेटबंदी के समय को बढ़ा दिया है। पूर्व में आज रात 10 बजे तक उदयपुर में नेटबंदी का समय था, तो वहीं प्रशासन आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अब भी अपील कर रहा है कि समय और बढ़ाया गया है। हालांकि स्थितियां पहले से काफी ठीक वहां पर हो गई है, लेकिन अब इस समय को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। आज रात 10 बजे तक पहले नेटबंदी की जानकारी थी और जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल वहां पर नजर आया, हालांकि पुलिस की तत्परता भी इसमें काफी काबिल-ए-तारीफ रही और जल्द से जल्द स्थिति कैसे कंट्रोल में की जाए इसको लेकर के आज एक्सटेंड किया गया है नेटबंदी की सीमा को। ज्यादा जानकारी देंगे रवि, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, आज रात 10 बजे नेट शुरू होने वाला था, लेकिन फिलहाल क्या वहां पर स्थितियां हैं जिसके चलते और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है या फिर कोई और कारण? स्थितियां उदयपुर में तनाव के बाद में अब कितने पटरी पर लौटी है रवि? देखिए जयती, पूरी तरीके किसी भी तरह की अफवाह ना फैले जी, किसी भी तरीके से वैमनस्य ना बढ़े और जो गंगा जमुनी तहजीब है उदयपुर की वो फिर से एक बार लौटे, और इसी को लेकर कैसे फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अगले 24 घंटे के लिए, यानी कि आज रात 10 बजे से अगले 24 घंटे है, उस दौर में भी नेटबंदी रहेगी, जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो सस्पेंड रहेंगी। और उसका बड़ा कारण यही है, आज दिन भर में भी लगातार जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हो, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल हो, या फिर जितने भी और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सबने यही अपील की है कि किसी भी तरीके अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो ये जो मामला है बेहद गंभीर है और इसमें कुछ लोग जो है अपनी व्यक्तिगत आनंद भी इस तरह की अफवाहें जो है प्रसारित करते हैं, तो ऐसे में इंटरनेट सेवाएं जो है अगर बंद रहेंगी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अगर ज्यादा नहीं फैलेंगी, तो उससे काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ छात्र की स्वास्थ्य की बात करें तो काफी हद तक जो टीमें हैं वो स्वास्थ्य विभाग, माफ कीजिएगा, चिकित्सकों की जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं और जल्द से जल्द इस छात्र के स्वास्थ्य बेहतरी होने की दुआएं की जा रही हैं। ठीक कह रहे हैं रवि, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, अपील भी यही करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस और प्रशासन दोनों अपने काम में लगे हैं और स्थितियां पहले से बेहतर है। शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। अपडेट यह है इस मामले पर, आज रात 10 बजे तक नेटबंदी का समय पहले था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। प्रशासन लगातार फील्ड में जुटा हुआ है, कोशिश ही की जा रही है कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को यहां पर कोई हवा ना मिल पाए, क्योंकि असामाजिक तत्व इस तरह के मौकों की फिराक में होते हैं और नेटबंदी की समय सीमा को बढ़ाया जाना कहीं ना कहीं यही इंगित करता है कि प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आदेश की प्रति भी आप देख रहे हैं। उदयपुर में एक बार फिर से नेटबंदी का समय बढ़ाया गया है अगले 24 घंटे के लिए, जानकारी सामने आ रही है। स्कूली छात्र पर चाकू से हमले से जुड़ी हुई इस खबर पर यह अपडेट है ताजा, एक बार फिर से नेटबंदी के समय को बढ़ाया गया है अगले 24 घंटे। जिला प्रशासन की ओर से आदेश है कि नेट बंद रहेगा और उसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा।